हेलो गाइस, आज मैं आई हूँ कातरस के लेक पर। तो चलो आपको लेके चलता हूँ। ये है मेन गेट कातरस का। यहाँ से कातरस लेक शुरू होता है। गार्डन है ये एक, और यहाँ से आप सीधे अंदर चलते हैं। यहाँ आपको सामने संभाजी महाराज का एक पुतला दिख जाएगा। इसके राइट साइड में रेलगाड़ी है बच्चों के खेलने के लिए, और इस लेफ्ट साइड में गार्डन शुरू होता है। तो लेफ्ट साइड में चलते हैं। इस तरह से यहाँ से कुछ अंदर इस तरह से गार्डन है यहाँ सर। तो टाइमिंग दिया हुआ है सुबह 6 से 10 और शाम को 4 से 8 बजे तक ये गार्डन खुला होता है। और यहाँ पे आगे चलते हैं, आपको कुछ पेड़ पौधे यहाँ दोनों तरफ नज़र आएंगे। यहाँ पे जॉगिंग के वक्त कुत्ते को, अपने पालते कुत्तों को लाना अलाउड नहीं है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, और उनके कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। देख सकते हैं सामने लेक है, और यहाँ पे इस तरफ राइट साइड पे लेक है, और लेफ्ट साइड में गार्डन है। और ये बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे गार्डन है। यहाँ पे 2 सेक्शन में झूले हैं बच्चों को खेलने के लिए। ये पहला सेक्शन है, आप देख सकते हैं बच्चों को खेलने के लिए झूले के साथ साथ वहाँ पे उनके पेरेंट्स को बैठने के लिए बेंचेस भी दिए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं आप देख सकते हैं। इसका थोड़े आगे जाते ही दूसरे पोर्शन में भी सेम यही है, यही गार्डन है। ये देखिए, ये दूसरा सेक्शन शुरू हो गया है, और यहाँ पे भी सेम यही गार्डन है। सीधा सीधा चलते जाएंगे तो आपको दिख जाएगा ये, जैसे आप आओगे वैसे। ये मेरे सर की बच्ची है छोटी सी, जो वो भी वहाँ पे आई थी, मैं उससे मिलने गई थी एक्चुअली, तभी मैंने ये ब्लॉग शूट किया था। तो इसके थोड़ा आगे जाओगे आप तो आपको इस तरह से दिखता जाएगा। थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे जिम है, तो ये सिर्फ जेंट्स लोगों के लिए जिम है, पर यहाँ पे 1-2 लेडीज़ थी इसलिए मैं भी चली गई और थोड़ा अंदर का शूट कर लिया। यहाँ पे आप जिम कर सकते हो, ये सिर्फ जेंट्स लोगों के लिए है। और ये वाला पोर्शन सिर्फ लेडीज़ लोगों के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे आप रोज़ शाम को आके जिम कर सकते हो, सुबह जिम कर सकते हो। थोड़ा आगे चलते हैं, हमें कि यहाँ पे पाटिलवाड़ा दिखेगा जो कि बहुत खूबसूरत है। हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं थी इसलिए हम अंदर नहीं गए हैं, पर इसलिए मैंने आपको बाहर से दिखा दिया है। इस पाटिलवाड़ा के सामने ही आपको बैठने के लिए बेंचेस भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो आराम से। और यहाँ पे पेड़ पौधे होने की वजह से ज़्यादा धूप भी नहीं लगती। तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे बेंचेस भी देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से हैं, साफ हैं। तो यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो आराम से, इंजॉय कर सकते हो अपना। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे लेक के सामने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं इस तरह से, जहाँ पे आप वहाँ पर भी आप आराम से बैठ सकते हो और वो सामने का व्यू एंजॉय कर सकते हो। थोड़ा सा आगे चलते ही, जैसे मैं आपको सीधा सीधा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आगे चलते ही यहाँ कुछ इस तरह का व्यू है। और देखो यहाँ पे एक बंदा जॉगिंग करते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे आप जॉगिंग कर सकते हो, टहल सकते हो। वो शाम में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। ये देख सकते हैं, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे एक रेलगाड़ी, तो ये घूमने के लिए रेलगाड़ी है जिसका टिकट सिर्फ 20 रुपये है। और ये सामने बच्चों को खेलने के लिए गुद्दा है जिसपे वो बच्चे कूद कर खेल सकते हैं। बहुत बड़ा ये कैंपस है। ये रेलगाड़ी में बैठने के लिए टिकट के लिए जगह है, तो हम रेलगाड़ी में बैठ चुके हैं। रेलगाड़ी की टिकट सिर्फ 20 रुपये है। तो मैं, मेरी फ्रेंड और मेरे सर की वाइफ, उनका बेबी, हम चारों जन बस ट्रेन में बैठ चुके हैं और इंजॉय कर रहे हैं। आप ज़रूर आइए।